तोता और उसके दुश्मनों की कहानी, समझदारी और धैर्य की जीत। एक बार की बात है, एक हरा भरा तोता एक घने जंगल में रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। जंगल के अन्य जानवर उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ जानवर उसे देखकर ईर्ष्या करते थे। उनमें से लोमड़ी, कौवा और बिल्ली उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। वह हमेशा उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी से चलते थे और उसे नुकसान पहुंचाने के तरीके सोचते रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने योजना बनाई। उसने कौवे और बिल्ली को बुलाया और कहा, ये तोता जंगल में बहुत इज्जतदार हो गया है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। तीनों ने मिलकर तोते के खिलाफ षड्यंत्र रचा। लोमड़ी ने तोते से दोस्ती का नाटक किया और कहा, तोता भाई, हम तुम्हारे अच्छे मित्र बनना चाहते हैं। जंगल में एक बहुत सुंदर पेड़ है, वहाँ हम सभी दोस्त मिलकर रह सकते हैं। तोता उनकी बातों में आ गया और उनके साथ उस पेड़ की ओर जाने लगा। लेकिन तोता समझदार था, उसे लोमड़ी, कौवा और बिल्ली पर पूरे तरह भरोसा नहीं था, इसलिए वह सतर्क रहा। जब वह पेड़ के पास पहुंचे तो तोते ने देखा कि वहां एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ है। वह समझ गया कि ये उसके लिए जाल बिछाया गया है। तोते ने बुद्धिमानी से सोचा और तुरंत उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया। नीचे करे दुश्मनों को देखकर तोते ने हंसते हुए कहा, तुम लोग चाहे जितनी भी चालाकी कर लो, सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है। मैंने तुम्हारी साजिश समझ ली है। दुश्मनों को अपनी हार माननी पड़ी और वह शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। तोते ने उनकी चालाकी का शिकार ना होकर अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई। कहानी से सीख, हमें हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए। धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।